अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू कराने के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे और माननीय मंत्री जी के साथ जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद यहाँ के एक पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड चालू कराने के लिए जो मांग लेकर आए थे वो लोगों को दलाल और गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग कानूनी नोटिस उनको भेजे हैं। कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस उनको गया है कि किस तथ्य के आधार पे हमें गुंडा और किसी पार्टी का एजेंट, दलाल जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हम लोग के प्रति किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी पार्टी के वो जिलाध्यक्ष हैं तो उनके पास कुछ पुख्ता सबूत जरूर होगा, तो वो सबूत को सामने लाए। क्या उनके पास वो सबूत है जिससे हम लोग उनको दलाल दिखते हैं, किसी पार्टी के एजेंट दिखते हैं, डॉक्टरों से कमीशन वसूलने वाले दिखते हैं? अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए या फिर माफ़ी मांगे, वरना मानहानि के मुकदमे के लिए वो तैयार रहेंगे। मैं बता दूं कि मैंने कोर्ट के माध्यम से उनको लीगल नोटिस भेजा है और इस लीगल नोटिस के बाद वो क्या जवाब देते हैं, अगर उनके पास, मैं यह मांग करता हूं कि उनके पास जो भी सबूत है हमारे खिलाफ वो सामने लाए, उस तथ्य को सामने लाए, वरना माफ़ी मांगे, तो फिर हम लोग मानहानि का केस उन पर करेंगे। कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना या किसी मांग को लेकर मिलना, प्रदर्शन करना किसी पार्टी का एजेंट होता है क्या? अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने लाए, या ये माना जाएगा कि यह जो पूरी फिल्म जो उन्होंने बनाई है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, कोई उनके पास तथ्य नहीं है, अगर तथ्य है तो सामने लाए। हालांकि जो अल्ट्रासाउंड की बात कही जा रही है उसके 3 महीना हो गए लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, इस पर आप लोगों ने विरोध किया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कोई पूछने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैंने सबसे पहले बता दूं कि 3 महीना नहीं, 10 महीना से अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ा हुआ है। 3 महीना पहले इन्होंने वादा किया था जब हमने लिखित आवेदन, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, फिर मैं बता दूं आपके माध्यम से कि लिखित आवेदन मैंने इनको दिया था इनके जनता दरबार में और इन्होंने वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से 10 मिनट तक वार्ता करके इन्होंने आश्वासन दिया था। सारे अखबार और न्यूज़ पोर्टलों में यह खबर छपी थी कि 1 महीने के अंदर सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों चालू हो जाएगा। 2.5 महीने बीतने के बाद वहाँ पे मैं गया था सर्किट हाउस में, अतिथि गृह में, और हस्तलिखित मैंने पोस्टर लेके गया था और उसके बाद मंत्री जी ने उस पोस्टर को देख के आके हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो सबसे दुखद है कि जब हम लोग मांग करते हैं तो हम लोग पे आरोप लगना शुरू हो जाता है। अगर मैं दलाल था, अगर मैं गुंडा था तो अब तक वो लोग कहाँ थे? ये आरोप उन लोगों ने पहले क्यों नहीं लगाया या उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया मेरी गुंडाई को? लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने के लिए उनको मंत्री जी का उनका आश्वासन याद दिलाए, जब दिलाने गए तब उसके बाद हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगा। तो आरोप लगे, ठीक है मैं गुंडा हूँ, मैं दलाल हूँ, तो क्या सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू नहीं होना चाहिए? हमारा सवाल है ये कि अगर अल्ट्रासाउंड आपको लगता है कि सदर अस्पताल में शुरू कराने के लिए ही आया है तो उसको अविलंब शुरू कराया जाए, और वो तो अलग विषय हुआ, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया है कि जो मांग करता है उसी पे कि वो किसी पार्टी के एजेंट है, वो दलाल है, डॉक्टरों से कमीशन वसूलने वाले हैं, ब्लड क्या गोरख धंधा करने वाले हैं, ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हम लोग के प्रति किया गया है। और उनके एक पार्टी के नेता ने बयान दिया है कि जो दिव्यांग बंधु गए थे वो भाड़े पे गए थे, तो इन सब
जो आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया गया है, किस आधार पे लगाया गया वो भेजा है और उनके जवाब का इंतजार रहे। उन लोगों ने कहा कि पर्सनल अश्विनी कुमार चौबे की इनको टारगेट बनाना, यहाँ पे चार प्रतिनिधि हैं और जिला अधिकारी उनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन एक बार भी उन लोग से बातें नहीं की कि वो अश्विनी कुमार चौबे का ही टारगेट बनाते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि एक महीना पहले ना, तीन महीना पहले जब जनता दरबार लगा था और वहाँ पर जब मैंने मांग किया था, तब ये बात उसी वक्त माननीय सांसद सह केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी को यह कहना चाहिए था, यह सवाल पूछना चाहिए था कि अब चार और विधायक हैं डीएमएसपी के पास, आपने क्यों नहीं ये सवाल को खड़ा किया। यह आश्वासन देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। आश्वासन क्या फर्जी आश्वासन उन्होंने क्यों दिया? उसी वक्त हमको वो टोकते कि यह आप और जनप्रतिनिधियों से यह मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी जनता दरबार लगी थी सांसद की, और अगर हमें पता होता कि सांसद के जनता दरबार में सवाल करने से पहले और भी वार्ड पार्षदों मुखिया विधायकों से इस उस विषय को अवगत कराना जरूरी था, तो मैं पहले सभी वार्ड पार्षदों मुखिया सरपंच बीडीसी सबको अवगत करा के माननीय सांसद के जनता दरबार में मैं गया होता। स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री साहब बक्सर के सांसद वो हैं, उनसे उम्मीदें ज़्यादा है। वो जिस पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं उसी पार्टी का केंद्र में और राज्य में सरकार है, तो हम मांग किससे करने जाएं। और जहां तक टारगेट करने की बात है, तो मैं याद दिलाता हूं कि इसी वेलनेस सेंटर के मामले पे जिन दो जनप्रतिनिधियों ने उसका उद्घाटन किया था, फर्जी उद्घाटन, दोनों प्रतिनिधि उसमें सदर के विधायक भी थे और केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी थे एक वर्ष पहले, तो ये बेबुनियाद आरोप है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो स्पष्ट बयान दे दें मीडिया में, आके सामने कह दें कि माननीय सांसद महोदय से कोई मांग नहीं कर सकता, उसको मांग करने से पहले आप सभी वार्ड पार्षदों मुखिया जनप्रतिनिधियों से मांग कीजिए, उसके बाद माननीय सांसद के मंत्री से मांग कीजिए, तो हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते। मैं आपको याद दिला दूं कि सारे अखबारों में वो इनका बयान छपा था, सारे न्यूज पोर्टलों पर आया था, और वहाँ पे भी उस कार्यक्रम में लगभग हजारों लोग थे। और इन्होंने जब वादा किया कि सदर अस्पताल में एक महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू हो जाएगा और जम के तालियां बटोरी, तो तालियां बटोरने से पहले इस बात को माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए था, या उनके लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके पार्टी के लोग, उनको माननीय मंत्री को ये बात बतानी चाहिए थी कि अभी आप आश्वासन मत दीजिए, पहले सभी जनप्रतिनिधियों से आप ही सवाल खड़ा कीजिए कि सारे जनप्रतिनिधियों से यह सवाल पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। अब पथ विभाग के जो मंत्री हैं उनसे तो मैं मांग नहीं कर सकता कि आप सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू कराइएगा कि नहीं कराइएगा। आगे कार्रवाई क्या आपका? आगे हम लोग कोर्ट के माध्यम से ये लीगल नोटिस उनको भेजे हैं कि किस तथ्य के आधार पे क्या सबूत है उनके पास, वो सबूत को सामने लाएं, वरना मानहानि का मुकदमा उस पार्टी के जिलाध्यक्ष में मैं करूँगा। आप तो अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड चालू नहीं हो तो उसके लिए क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड चालू तो होगा ही, इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर से हम दिल्ली जाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री से भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे, बिहार के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी उनसे भी हम लोग मिलेंगे। ऐसे हम लोग ट्वीट और फैक्स के माध्यम से सबको अवगत करा चुके हैं, ये मिलने का सिलसिला, ज्ञापन का सिलसिला सब पूरा हो चुका है, और अगर अब नहीं होता है तो फिर इसको एक हम लोग उग्र आंदोलन की ओर इस पूरे मामले को ले जाएंगे। अगर कहीं से हमें न्याय नहीं मिला, सदर अस्पताल में 40 लाख का वो अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ा है, सारे जगह इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, देश के जो स्वास्थ्य मंत्री, सबको हम लोग फैक्स कर चुके हैं, मेल कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर चालू नहीं, यहाँ पे इतना पूरा भारत जान गया कि सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है और शुरू नहीं हुआ, इतना विवाद हुआ कि पूरा भारत जान गया, उसके बाद भी अगर शुरू नहीं होता है तो यह पूरे बिहार के लिए दुखद बात है, और इसके खिलाफ हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। धन्यवाद।